वेलकम गाइस, वेलकम टू द नए ऑटो गोवा। आज आपके लिए लेके आए RX का मिकुनी कार्बोरेटर। पहले बता देंगे आपको, ये कार्बोरेटर जो है मिकुनी में एक है, इंडोनेशिया में बनता है, इंडोनेशिया से इंपोर्ट होता है इंडिया के लिए। ये आप RX 100 में भी यूज़ करते हो और RX 135 दोनों गाड़ी में यूज़ करवा सकते हो। ये डायरेक्ट फिटिंग है और डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कुछ उसका ऊपर नीचे करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फिट हो जाता है गाड़ी में, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आज आपको पूरा वीडियो दिखा देंगे ये कार्बोरेटर का एक्चुअली होता क्या है और चलता कैसे है कार्बोरेटर। पहले बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मिकुनी कॉप लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है उसका चोक है, ये चोक ऐसा पुल कर सकते हैं और पुश कर सकते हैं ताकि ये उसको हवा एक्स्ट्रा देते हैं अंदर से कार्बोरेटर को। कभी कभी गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होता है तब ये चोक खींचते हैं हम लोग। उसके बाद ये होता है बाहर का, ये इसका पेट्रोल का सेटिंग होता है। ये आगे पीछे करके हम लोग इसका पेट्रोल का सेट कर सकते हैं, कितना सप्लाई इंजन के अंदर जाना चाहिए, ये इस स्क्रू के ऊपर पेट्रोल हम लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो स्क्रू होता है, ये स्क्रू के ऊपर हम लोग हवा एडजस्ट कर सकते हैं, तो कितना हवा जाना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन, इसका और इसका कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट करना होता है, नहीं तो गाड़ी सही से नहीं चलेगा, नहीं तो गाड़ी धक्का खाएगी, नहीं तो स्टार्ट नहीं होगी, नहीं तो ऐसा प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा अगर ये सेट नहीं होता है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कार्बोरेटर मैकेनिक सेट करता है, मतलब ये दो आइटम सेट करने का होता है, बाकी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर ये पिस्टन होता है जिसको बोलते हैं कार्बोरेटर का पिस्टन, ठीक है। ये स्क्रू हम लोग जब हवा का स्क्रू जब एडजस्ट करते हैं तभी इधर एडजस्ट हो जाता है, और जैसे हम लोग ये पेट्रोल का स्क्रू एडजस्ट करते हैं तभी ये पिस्टन ऊपर नीचे होकर एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका साइज़ है 26 mm, इधर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 26 लिखा हुआ है, मतलब इसका 26 mm का साइज़ होता है कार्बोरेटर का, ठीक है। ये जो है इधर से पेट्रोल सप्लाई होता है अंदर, सॉरी अपना ऑयल पंप सप्लाई होता है, ऑयल पंप से जितना भी सप्लाई आएगा वो इसके अंदर मिक्स होके पेट्रोल में मिक्स होके ये डायरेक्ट इंजन के अंदर जाएगा, ठीक है। ये इसका इनलेट होता है ये, और ये इसका इसमें जाता है अपना मैनिफोल्ड को फिट होता है ये साइड में, ठीक है। इसके ऊपर भी एक कोड लिखा है, लेकिन ये कोड हमारा इंडियन नहीं है, ये इंडोनेशिया का कोड है, तो हमारा इससे कुछ लेना लेना नहीं होता है कोड के ऊपर। इधर भी एक छोटा सा कोड लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्बोरेटर, ये ऊपर का उसका ढक्कन होता है, ये केबल सेट करने के लिए एडजस्टर होता है आगे का, ताकि ये एक्सीलेटर का केबल इसके ऊपर यूज़ कर सके, ठीक है। और ये नीचे का उसका फ्लोट का चैम्बर, तो ऐसे होता है बाहर से ये कार्बोरेटर। अभी हम लोग आपको खोल के ये अंदर से दिखाएंगे कि एक्चुअल कार्बोरेटर अंदर से होता कैसा है। ये हम लोग ऊपर से खोल रहे हैं इसको। जब भी कार्बोरेटर साफ करते हैं ऐसा मैकेनिक बोलता है तभी यही प्रोसीजर होता है जो हम लोग आपको अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। ये उसका ऊपर का कैप होता है, ये उसको सील होता है ताकि इसके ऊपर वो सील टाइट हो जाए और उसके अंदर एयर वगैरह ना जाए, ठीक है। ये उसका जो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जो है आपके एक्सीलेटर का जो केबल होता है, ये स्प्रिंग उसको वापस भेज देता है, तभी एक्सीलेटर हम लोग जब भी खींचते हैं वो वापस चला जाता है ना, ये स्प्रिंग की वजह से होता है, ये स्प्रिंग उसके अंदर उसकी वजह से ही होता है। उसके बाद अंदर ऐसे एक पिस्टन होता है जिसको बोलते हैं कार्बोरेटर पिस्टन है, कार्बोरेटर स्लाइड बोलते हैं वो। ये उसका पिस्टन है, ये उसका अंदर लॉक होता है और ये उसका नीडल है। इसके अंदर एक छोटा सा होल होता है आप देख सकते हैं, ये नीडल जब ये होल के अंदर जाता है पूरा बंद रहता है तभी पेट्रोल सप्लाई बंद हो जाता है, और जब ये हम लोग एक्सीलेटर खींचते हैं तभी ये ऊपर आ जाता है, और ये नीडल जो होता है ये होल में से थोड़ा बाहर आता है, तो नीडल आप देख सकते हैं नीडल थोड़ा जाड़ा होता है आगे की तरफ, थोड़ा छोटा होता है, जैसे ये ऊपर आएगा थोड़ा गैप मिल जाएगा तो पेट्रोल इसके अंदर से इसके अंदर आ जाएगा, इधर जिधर आपको मेरा उंगली दिख रहा है इधर आ जाएगा पेट्रोल पूरा, ठीक है। तो ये पिस्टन का काम होता है और ये नीडल का काम होता है। इसके बाद आपको अंदर से खोल के दिखा दे कैसा होता है। तो हम लोगों ने ये ऊपर का खोल दिया है और ये भी नीचे का खोल के मैं दिखाता हूँ आपको कैसा होता है। एक्चुअली जो कार्बोरेटर होता है वो हमारे इंजन का हार्ट होता है, यहाँ से ही पूरा पेट्रोल सब एयर सब इधर से ही सप्लाई हो जाता है। तो अगर कार्बोरेटर में कुछ फॉल्ट है तो गाड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। जैसे चार स्क्रू होते हैं उसको ओपन करने के लिए, ठीक है, चार स्क्रू होते हैं।
ये खोलने के बाद इसको जो बोलते हैं, ये पेट्रोल का चैम्बर है, कार्बोरेटर चैम्बर जो बोलते हैं, पेट्रोल चैम्बर, फ्लोट चैम्बर भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर पेट्रोल होता है, जब ये इसके अंदर होता है तभी इसके नीचे यहाँ पे पेट्रोल पूरा भर जाता है, पेट्रोल टैंक और पेट्रोल कॉक में से जो आता है वो, ये उसका फ्लोट चैम्बर है, ठीक है। इसके बाद ये उसका फ्लोट है, ये उसका फ्लोट होता है जो ऊपर नीचे होता है, ये ऐसा होता है एक्चुअली, उल्टा होता है ना कार्बोरेटर। तो जब भी पेट्रोल भर जाता है तभी ये ऊपर आता है, अभी ये नीचे जा रहा है क्योंकि कार्बोरेटर उल्टा पकड़ा है, अभी ये नीचे जाएगा तभी भरेगा, तभी ये नीचे जाएगा मतलब ऊपर आएगा। और ये जो फ्लोट पिन होता है, मैं दिखा दूंगा आपको खोल के, ये फ्लोट पिन उधर बंद कर देता है पेट्रोल सप्लाई और चैम्बर में पेट्रोल आना बंद हो जाता है, ठीक है। ये उसका है जो है, ये मेन जेट है, इसको बोलते हैं मेन जेट। और इसके अंदर एक छोटा सा स्क्रू रहता है जो इसके अंदर है, इसके अंदर एक है छोटा सा, उसको बोलते हैं पायलट जेट। ये मेन जेट, ये पायलट जेट, इसके ऊपर लिखा है 130 आवर्स, शायद को वीडियो में वो फोकस नहीं होगा इतना, 130 साइज है ये मेन जेट का। और इसके अंदर एक पायलट जेट होता है, इसको बोलते हैं फ्लोट। ये बस पेट्रोल बंद करने और चालू करने का इसका काम होता है, जैसे हमारे पानी का जो टैंक होता है, हमारा घर का जो पानी का जो टैंक होता है उसके अंदर जो फ्लोट होता है, सेम उसी तरह का ये फ्लोट अंदर इसके काम करता है, पेट्रोल अंदर आना और बंद करने का, ठीक है। तो आपको दिखा देते हैं इसका फ्लोट पिन क्या होता है। हम लोग जब भी मैकेनिक बोलता है फ्लोट पिन ख़राब है, पेट्रोल अगर बह रहा है बाहर, तो फ्लोट पिन क्या होता है हम लोग आपको अभी 2 मिनट में दिखा रहे हैं। ये फ्लोट खोलने के लिए इधर एक छोटा सा पिन होता है, ये पिन अगर आप प्रेस करेंगे ये साइड से तो पिन बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये पिन ऐसा खींचने का और ये फ्लोट आपका निकल गया, ऐसा रहता है, ठीक है। ये आपका है फ्लोट, फ्लोट मतलब बस एक प्लास्टिक का एक वैक्यूम ऐसा बॉल की तरह होता है, ये बॉल है और ये एक बॉल है, ये पूरा वैक्यूम होता है ताकि वो जब भी पेट्रोल आएगा तभी ये ऊपर आ जाएगा। और ये होता है फ्लोट पिन, ये फ्लोट पिन पेट्रोल सप्लाई बंद कर देता है। इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लैक कलर का रबर आपको दिख रहा है, ये रबर है, ये कलर नहीं है, ये रबर है, छोटा सा होता है। ये पेट्रोल सप्लाई ऐसे बंद करने के बाद पेट्रोल बंद हो जाता है, चालू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे होता है आपका अंदर का कार्बोरेटर। ये फ्लोट पिन के लिए जगह है, ये मेन जेट है, पायलट जेट है, ठीक है। ये बाकी का आपका फ्लोट चैम्बर है, ये उसके ऊपर फ्लोट बैठता है ऐसा, और ये लॉक हो जाता है इधर से। कार्बोरेटर जो होता है एकदम क्लीन रहना चाहिए अंदर से, अगर कुछ कचरा बिचरा आ जाता है तो पेट्रोल सप्लाई के लिए और कंबशन के लिए अंदर से प्रॉब्लम हो सकता है। ये हम लोगों ने उसका फ्लोट वापस बैठा दिया है, ये उसका चैम्बर, ऐसे उल्टा नहीं बैठेगा, जैसे था वैसे ही बैठाना पड़ता है उसको। तो कुछ भी आइटम इसके अंदर उल्टा नहीं बैठते हैं। ये उसके चार स्क्रू, ये जो होता है क्लिप, ये बस पाइप होल्ड करने के लिए होता है। तो बंद करने के टाइम में पहले ये जाएगा। और एक बात, इधर छोटा सा इसको एक लाइन रहता है, सॉरी ये साइड में, ये देखो ये छोटा सा जो लाइन रहता है इसके अंदर कार्बोरेटर के अंदर एक डॉट होता है, छोटा सा डॉट होता है, ये लाइन और वो डॉट मैच होना चाहिए, नहीं तो ये अंदर नहीं जाएगा, ऐसे बैठेगा, ये देखो ऐसे बैठेगा, ऐसे बैठा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, गाड़ी एकदम हाई आरपीएम में चला जाएगा। तो ऐसे टर्न करने के बाद वो नीचे चला जाता है, ऐसे नीचे जाना चाहिए तभी वो सही से फिट हो गया। उसके बाद ये स्प्रिंग और ये उसके बाद उसका ढक्कन, ठीक है। बस हो गया आपका कार्बोरेटर साफ़।
कार्बोरेटर साफ़ करना मतलब इतना ही होता है, मैकेनिक इतना ही कर देता है, और इसके बाद साफ़ करने के बाद इसको बस पेट्रोल और एयर इसका एडजस्ट करना होता है, ठीक है। पेट्रोल एयर इसके बीच में इधर होता है, वो मिक्स होके ये इनलेट है, इधर से हवा जाता है, इधर से पेट्रोल अंदर सप्लाई होता है और यहाँ से इंजन को कनेक्ट होता है ताकि ये मैनिफोल्ड के अंदर से रीड वाल्व से डायरेक्ट इंजन के अंदर चला जाए, ठीक है। तो ये मेन हार्ट है अपने आरएक्स का, कार्बोरेटर का। आरएक्स का ही नहीं, कौन से भी गाड़ी के लिए ये कार्बोरेटर जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये है आपका कार्बोरेटर जो आपको दिखा दिया है पूरा अंदर से बाहर से कैसा होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल।